नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। 6 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार धनबाद जिले की 30 सहिया साथियों को उनका अधिकार मिल ही गया। निरसा स्थित मासस कार्यालय में मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की उपस्थिति में धनबाद जिले की सहिया साथियों ने पहुंचकर पूर्व विधायक को बूके तथा मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। मौके पर सहिया साथियों ने बताया कि कुल 30 सहिया साथियों को विगत 6 वर्ष पूर्व उनके अधिकार तथा नियोजन से वंचित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही सहिया साथी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। इस लड़ाई में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का विशेष समर्थन तथा योगदान रहा और इन्हीं के प्रतिनिधित्व में सहिया साथियों ने लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम है कि विगत 3 वर्ष पूर्व 30 में से कुल 16 सहिया साथियों को उनका नियोजन मिल गया था। बाकी 14 की लड़ाई विगत 3 वर्षों से लड़ी जा रही थी, जिन्हें आखिरकार कल नियोजन मिल गया। इस अवसर पर सभी सहिया साथी पूर्व विधायक के कार्यालय पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी और झारखंड के इन सहिया साथियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर भी आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये चीज पहले ही होना था, लेकिन विभाग की उदासीनता बोलिए या तमाम चीजें बोलिए, जिसके कारण ये इतने लेट थी। 6 साल तक लोग बिना सैलरी का दौड़ते रहे रांची और धनबाद की विसर्जन और उसके बाद इनकी एकता, धीरज एवं संघर्ष से ही हम समझते हैं जो ये चीज थी। भविष्य सैया सैया साथी और बीटीटी की सैलरी की लिए भी हम लोग लड़ाई करेंगे। उनकी जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और जो भी इन लोगों की बकाया राशि है पुराना, चाहे कोविड की राशि हो या दूसरा, इन तमाम चीज़ों की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।